पहले गाने के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मेरा लाडला शागिर्द है रवि, इस फिल्म का म्यूजिक कर रहे हैं और विजय वर्मा जी ये फिल्म बना रहे हैं। और पहला गाना आशीर्वाद देने के लिए कैलाश, हमारे कैलाश खेर जी गा रहे हैं। मैं रवि त्रिपाठी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बड़ा खूबसूरत गाना बनाया होगा, खुद भी बहुत खूबसूरत गाता है तो जाहिर है गाना अच्छा बनाया होगा। और कैलाश जी को गा रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब को और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा लाडला शागिर एक हिंदी फिल्म का म्यूजिक कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया होगा क्योंकि बहुत अच्छा गाता है खुद भी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ विजय वर्मा जी को, इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम है रेड सिग्नल। और आज कैलाश जी, कैलाश खेर हमारे परम मित्र, इस पहला मुहूर्त का गाना कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत प्रोड्यूसर साहब को और संगीत निर्देशक हमारे रवि जी जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये फिल्म रेडी हो जाए और सारी दुनिया का, भारतवर्ष का, सबका आशीर्वाद इस फिल्म को मिले। बहुत बहुत बधाई। चलेंगे फिर गाने बनाऊंगा, वैसे ही विषय जैसा होगा वैसे ही गाने बने होंगे। तो और दाता ने चाहा तो ये बहुत अच्छी फिल्म का म्यूजिक कर रहे हैं और फिल्म को बनाने वाले जो हैं वो भी जहाँ मेरा जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश वहीं के हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो काम हो जाएगा। सर ये भी जानना चाहूँगा कि आप मतलब गायक के तौर पर अलग अलग तरह के गाने गाते हैं, लेकिन सूफी जो गाना होता है वो काफ़ी दिल से निकलता है, ये मानते हैं इस बात को, आप काफ़ी महारत हासिल है इस गाने। अच्छे विचार अगर लिखे होते हैं, यहाँ के एक शेखर अस्तित्व नाम के लिरिक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है अच्छे विचारों को लिखना बहुत परम आवश्यक होता है। देखें यदि अच्छाई अपनी जगह नहीं लेगी तो बुराई आके ले लेगी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक तो हो इस दुनिया में। और हवाओं को जहाँ जहाँ खाली जगह देखती हवाएं तो घुसेंगी। अब ये जहरीली हवाएं हैं या खुशबू वाली हैं ये तो अब निर्भर करता है जो प्रकृति के द्योतक हैं और जो प्रकृति को प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो ऐसे में अच्छे इसका होना परम आवश्यक है। ये फिल्म का नाम है रेड सिग्नल। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर इसके साथ जुड़ गए हैं। मेरे दाता ने चाहा तो उनके खजाने भरपूर हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार फिल्म बनने तक तो जोश होता है, टंगने में फिर टांग उनके विचारों की कोई खींच लेता है, केले बेटा तेरी टांगा खींच लेता हूँ। तो भगवान इनकी टांग ना खींचे और इनका बन भी जाए और टंग जाए, क्योंकि बनना अलग होता है, बनने का विद्या अलग है और टंगने की विद्या अलग है। तो इनको मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि इनकी बनता है और टंग भी जाए, दोनों इनके काम सिद्ध हो जाए। क्योंकि अच्छे काम जो क्रिएटिव लोग करते हैं, रवि त्रिपाठी जी जैसे लोग, वो आ जाएं फिर बाद में बाजार में। ये ना हो कि पता लगा आपस में ही लड़ पड़े कई लोग बेचारे। कैलाश जी कल भी खास दिन था, एनडीटीवी का जो कैंपेन था, जया जी के सामने, अमिताभ जी के सामने आपने परफॉर्म किया, क्या कहना चाहेंगे अनुभव के बारे में आप? बहुत ही गजब अनुभव। भारत बदल रहा है इन दिनों और भारत से बदलते भारत को श्रेय जाता है हमारे भारतीयों को। भी लोग एकजुट होकर अपने अच्छा बनाने में इस देश को योगदान दे रहे हैं, उसी का धन्यवाद देने हम गए थे। पहले गाया फिर हमने धन्यवाद दिया कि जहाँ भी थोड़ा भी अच्छा है, जहाँ भी थोड़ा भी सफाई है, जहाँ भी थोड़ा भी भारत स्वच्छ है, स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय, स्वच्छ मस्तिष्क, स्वच्छ संगीत, जहाँ जहाँ है स्वच्छ जगहें हैं, वहाँ परमात्मा का एक कृपा है और हम लोगों की सद्बुद्धि कार्य कर रही है और एक हवा चल पड़ी है स्वच्छता की। तो अब इसी हवा में दाता ने चाहा तो 10-12 साल में काफी चीजें बदल जाएंगी अगर ऐसे ही रहे तो। और आखिर में कला जी ये पूछना चाहूंगा, आजकल सिंगर्स में बॉलीवुड जी वसीम, मैं आंसर में ऐसा घुसाऊंगा आप देखना। तो कला जी तो आप अपने सवाल पे रहना जी, अभी लेके आएंगे। हमारी एल्बम पर काम चालू है, वो चल रहा है, लेकिन उस एल्बम से पहले जो रेड सिग्नल नाम की फिल्म में रवि त्रिपाठी जी का जो संगीत है और मैं जो गाना गा रहा हूँ, और बंदे उसका भी वर्ड है बंदे। बस इस फिल्म में भी आप हमें सभी सॉन्ग गाते
ट्रैफिक सिग्नल से इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। रेड सिग्नल में ये है कि लाइट तो भी होता है, तो एक हमको इंडिकेशन मिलता है, ऊपर वाला हमको इंडिकेट करता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, बट प्रेजेंट टाइम में हम उसको अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं। बट जब टाइम बीतता है तो हम रियलाइज करते हैं कि हमने उस टाइम क्या गलत किया था। मीन्स इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारी दिल होता है वो हमको बताता है कि कुछ गलत करने वाले हैं, उसी से ये टाइटल कनेक्ट करता है। यूथ से तो इसको कह सकते हैं फुल ऑन यूथ पे ही फिल्म है जो आजकल हो रहा है। आजकल तो एम्बिशियस यूथ है, वो बहुत जल्दी कुछ पाना चाहता है और शॉर्ट आता है उसके लिए, बट इस फिल्म के जरिए हमें दिखाना चाहते हैं शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है, लॉन्ग कट में आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी पाना है तो उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। जी जी, म्यूजिक तो सर बहुत अच्छा है इसमें, कैलाश जी का है। कैलाश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो उनके सामने बहुत ही एक अदना सा हूँ। आप लोग तो उनको बहुत पहले से सुनते आए हैं और उनके फ्लेवर का एक गाना बहुत ही प्यारा गाना है बंदे करके, उसमें भी आया हुआ वर्ड, और बंदे को स्टार्ट से ही गाए हैं, उनका जो हिट सॉन्ग था वो भी बंदे करके ही था। इसका जो अभी हम लोगों ने बताया है, अभी शूट पे हम लोग फैब में जा रहे हैं, रिलीजिंग हम लोगों ने अप्रॉक्स नवंबर के आसपास। विजय वर्मा जी हमारे यूपी से हैं, हमारे जानने वालों में से हैं। जब इन्होंने फिल्म की जो है स्क्रिप्ट हमको सुनाई तो हमें लगा कि ये जो है मूवी बनने के बाद में यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज देगी, इसलिए हमने भी जो है इसमें मन लगा के काम करने के लिए वो किया कि इनकी मदद करें, साथ में रहें। तो इसीलिए हम विजय वर्मा डायरेक्टर साहब के साथ में हैं और पूरी तरीके से हर तरीके से मदद कर रहे हैं, और आप लोगों से भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि फिल्म जब बन के तैयार हो तो उसमें आप लोग हमारी मदद करें। यूथ जिसे एक मैसेज आए कि यूथ के लिए जो मूवी बनी है वो सभी को पसंद आएगी, जिस टाइप की जनरेशन के हिसाब से जो यूथ है उस पर ये मूवी बनी हुई है, इसके बनने जा रही है और बहुत ही अच्छी होगी, आप लोग देखिएगा फिर तारीफ करिएगा, बहुत बेहतर है। यूथ जो है बहुत फास्ट चलना जा रहा है, जिसमें कई ऐसे रास्ते आ जाते हैं जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन तोड़ने की मजबूरी ये निकल पड़ जाती है कि हमें आगे निकलना है, इसलिए हम उस रास्ते को तोड़ के रेड सिग्नल को तोड़ के हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब हम एक स्थान पर टिकाऊ पहुँचते हैं वहाँ पर, तब ये समझ में आता है कि हमने जो रेड सिग्नल तोड़ा था वो गलत था। लेकिन यूथ जब यूथ में होता है तो इसके बारे में पहले नहीं इतना सोचता है, लेकिन जब उसको समझ में आता है तो ये उसको गलत लगता है कि रेड सिग्नल तोड़ना गलत हुआ है। बहुत हाय, मेरा नाम अवि कश्यप है और बेसिकली अपने बारे में बताऊं तो मैं बिलोंग करता हूं लखनऊ से, और ये मेरी पहली फिल्म फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ। कैरेक्टर बहुत ही लविंग कैरेक्टर है, ठीक है। आज का यूथ जो एक एम्बिशियस है, वो थोड़ा सा कनिंग भी है, थोड़ा सा ऑनेस्ट भी है, और लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लाइफ को और अपने एम्बिशन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो अपने एम्बिशंस को बहुत जल्दी पूरा करना चाहता है, जिस वजह से वो कुछ ऐसे सिग्नल्स तोड़ता है जिसे आवाज़ आती है अंदर से कि नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, बट दिमाग कहता है कि नहीं एट दिस पॉइंट मुझे ये काम करना है, मुझे अपना एम्बिशन पूरा करना है। सो एक लविंग सा कैरेक्टर है, आप देखिएगा, बहुत मज़ेदार फिल्म है। थैंक यू। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इट्स अबाउट चार प्यार करने वाले जो जिनमें से तीन की जो लव स्टोरी है वो एक अजीब मोड़ ले लेती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ऊपर चढ़ाव होता है, और एक जो है इज वेरी मैच्योर, ही नोज व्हाट मैच्योर लव इज एंड लव इज अबाउट गिविंग। तो इस तरह वो बाकी जो तीनों हैं उनको एक सबक सिखाता है, नॉट लाइक ज्ञान नहीं देता, लेकिन उसके एक्शन से उन तीनों की ज़िंदगी समझ जाती है। तो इट्स अबाउट मैच्योर लव, इट्स अबाउट लव ऑफ टुडेज टाइम, नॉट पहले के ज़माने के मैं इसके ये मुझे नहीं मिलता मैं अपना हाथ काट लूँगा, ऐसा कुछ प्यार नहीं। जो बाकी तीन हैं वो उस जोन में है, लेकिन जो चौथा है जो मेरा कैरेक्टर है वो इज़ अबाउट मैच्योर लव, एंड वो समझाता है कि ये प्यार ऐसे नहीं होता, ऐसे पागलों की तरह दीवानों की तरह रह के नहीं होता, इट्स अबाउट मोर मैच्योर थिंकिंग एंड अबाउट आज की रियलिटी में जो है उस हिसाब से यू हैव टू लव समवन, नॉट
don't go crazy. अगर आपको समझ में आती है इसमें कहानी रेड सिग्नल में क्या कहानी आपको समझ में आ रही है बताइए आ रहे ओके इट्स एक्चुअली वेरी स्मार्ट थिंग रेड सिग्नल जो दिल का जो दिल में जो है सिग्नल के बस इसके आगे नहीं ये मेरी लक्ष्मण रेखा है इसके आगे है ये मैं दायरे में रह सकता हूँ इसके आगे नहीं जा सकता तो वो है रेड सिग्नल जो दिल का रेड सिग्नल है कि भाई बस यहाँ तक मेरी लिमिट है मुझे इतने दायरे में ही खेलना है तो वो है रेड सिग्नल अभी एक नहीं नहीं ठीक है मैं आई बीन डूइंग टेलीविजन शोज तो आई बीन रियली बिजी इन टेलीविजन और क्या नहीं टेलीविजन में हो तो फिर मैं अभी दो तीन शो अच्छे कर रहा था तो फिर वक्त सांस लेने को वक्त नहीं मिलता तो उससे पीछे काम नहीं करूँगा और पिक्चरों में आजकल डेट टेक डेट्स सो आई फिनिश माई फिल्म्स माई टीम मैं आज वो फिल्म राइट नाउ डूइंग वन मोर फिल्म तो उसकी भी लास्ट शेड्यूल बाकी है हम लोग ईस्टर्न यूरोप जा रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी ऑल गुड अभी मेरे एक पिक्चर है वो आदमी बहुत कुछ जानता था ये रेड सिग्नल और एक दूसरी पिक्चर है जोहल तो ये दो पिक्चर रिलीज में है अभी ये साल में रिलीज़ हो जाएगी डेट्स अब तक दी नहीं है लेकिन अभी इसका जो आखिरी वाली है उसका लास्ट शेड्यूल बाकी है जोहल ख़त्म हो चुकी है शुड रिलीज दिस ईयर एंड थ्री गुड रिलीजेस हैप्पी थैंक यू ऑलवेज वेलकम मैम लेकिन छोटे मोटे काम ऐसे कंपोजर कर जिंगल्स बनाने हुए कुछ छोटे गीत कुछ भजन के काम ऐसे पहले भी करता रहा लेकिन मुझे पहली बार जब विजय ने और राहुल ने अप्रोच किया कि एक से गाना कंपोज करना चाहते हैं तो बड़ा टास्क लगा मुझे कि तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है लेकिन जब हम बैठे हमारे शेखर भाई हैं हम लोग बैठे सिटिंग में तो बड़े अच्छे गाने बनने लगे हमको खुद लगा कि नहीं ये और कंपोजिंग मुझे लगता है कि कोई करता नहीं है अगर वो ऊपर से आपको कंपोजिशन आई है उसकी आमद होती है तो वो आमद अगर अच्छी हो रही है मतलब आपके अंदर है ऊपर वाला आपको देना चाहता है तो मुझे भी सारे गाने बहुत अच्छे दिए उन्होंने बहुत अच्छे कंपोज हो गए और इतना सुनने मधुर लग रहे हैं तो मेरे कंपोजर से मेरा परिचय भी पहली बार हुआ कि फिल्म के गाने इतने अच्छे बने हैं कैलाश भाई तारीफ की मेरे गुरु आदरणीय सुरेश वाडकर जी ने आके आशीर्वाद दिया क्लैप दिया उन्होंने यहाँ पे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीज़ ऐसी स्मूथली बहुत अच्छे से होती रहे इसमें देखिए ये हालांकि ये पार्ट मेरा नहीं है ये डायरेक्टर हमारे जो विजय हैं और प्रोड्यूसर से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं बट उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक हल्की फुल्की आज के यूथ को इम्प्रेस करने वाली और आज के दौर की फिल्म बनाई जाए इसमें हमारा सब्जेक्ट मेन है वो सब्जेक्ट ही हीरो है आर्टिस्ट बहुत सारे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको और नामी कलाकार हैं जो आपको दिखेंगे लेकिन जितना मैंने सुना है मुझे लगता है ये सब्जेक्ट अपने आप में कम्प्लीट है और अगर ढंग से बाहर आ गया तो बहुत पसंद करेंगे आप सब मैं खुद भी दो गाने गा रहा हूँ एक डिबेट है मेरा और एक सूफी गाना है
एक गाना कैलाश जी ने गाया है, एक मेरे गुरु श्री सुरेश वाडकर जी गाने वाले हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश की है हमने। और एक बार वो एल्बम आ जाए और आप सबका प्यार ऐसे मिले, मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास सफल रहेगा।